2016 में रत्नागिरी महाराष्ट्र के ननर गांव के ग्रामीणों से मिलने कुछ अजीब लोग आए। 228 गुजराती और मारवाड़ी व्यवसायी। हम यहाँ जमीन खरीदना चाहते हैं, बेचोगे? आप शहरी लोग खेती की जमीन के साथ क्या करोगे? उनकी कहानी का तो पता नहीं, लेकिन पैसे असली थे। आम और जैकफ्रूट की खेती करेंगे और हर हेक्टर के लिए 3 लाख देंगे। ठीक 2 साल बाद अप्रैल 2018 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रत्नागिरी रिफाइनरी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनी साउदी अरामको के साथ हाथ मिलाया। कहा, अरे वहीं नानर। रिफाइनरियां कच्चे ईंधन को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट ईंधन और LPG में परिवर्तित करती हैं। ये 3 लाख करोड़ की रिफाइनरी हर दिन 120 करोड़ कच्चे तेल के बैरल परिवर्तित करेगी। रत्नागिरी रिफाइनरी की क्षमता है 6,130 करोड़ टन, जो कि रिलायंस की 2 जामनगर रिफाइनरियों के बराबर होगी। भारत में 23 रिफाइनरियों की प्रोसेसिंग की क्षमता 480 लाख या 246 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। 1 मैट्रिक टन मतलब 7.146 बैरल तेल। असम गुजरात दोनों में 4, आंध्र महाराष्ट्र तमिलनाडु 2-2, बिहार हरियाणा कर्नाटका केरल MP ओडिशा पंजाब UP वेस्ट बंगाल में 1-1। अमेरिका और चीन के पीछे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। फिलहाल भारत की प्रोसेसिंग क्षमता आज की जरूरत से लगभग 10 लाख बैरल ज्यादा है, लेकिन 2040 की मांग को पूरी करने के लिए आज की क्षमता से 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 5 करोड़ से 9 करोड़ बैरल। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को नई रिफाइनरियों की जरूरत है। क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होगा? रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की उपजाऊ जमीन खनन और बिजली परियोजनाओं से खराब हो रहा है, जबकि MIDC लोटे दाबोल खाड़ी में मछलियों को नुकसान पहुंचाया है। 17 गांवों के 42,000 किसानों को अपनी जमीनें छोड़कर कहीं और घर बसाना पड़ेगा। ऊपर से 12 से 16 लाख आम और 3 लाख काजू के पेड़ भी काटे जाएंगे। शायद शिवसेना का इस रिफाइनरी से विरोध राजनीतिक दबदबा है। 20,000 नौकरियां जब वहां पैदा होंगी, तब उन्हें शायद चिंता है कि BJP कहीं उनके इलाके में पैर ना जमा ले। यहां से अच्छा इसे विदर्भ या गुजरात में बनाओ। वहीं बनाएंगे अगर अरब सागर को भी वहां लाया जा सके। वैसे रिफाइनरियां आमतौर पर शहरों के नजदीक होती हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कच्चा तेल को परिवहन करना आसान और सस्ता है। लेकिन अगर रिफाइनरियां अंतरदेशीय साइट पर हो तो कच्चे तेल को वहां पाइपलाइनों द्वारा भेजा जा सकता है। इस तरह से सरकार उपजाऊ जमीनों को बचाते हुए परियोजनाओं को बंजर शुष्क क्षेत्र में ले जा सकती है, जहां रोजगार की भी कमी होगी। महाराष्ट्र सरकार को ग्रामीणों के मुआवजे के लिए कर्नाटक से सबक लेना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किया जब दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा योजना इस साल के शुरुआत में उन्होंने बनाया। इस पर बिस्बो की कहानी देखें। कुछ किसान अन्य कारणों से परेशान हैं। नानर से 55 किलोमीटर दूर जैतापुर में 213 परिवारों के बैंक खाते सील कर दिए गए, क्योंकि वे मुआवजे में मिली अधिक धनराशि वापस नहीं दे पाए। 2009 जैतापुर परियोजना अब तक शुरू होने का नाम नहीं ले रही। राजनीतिक विपक्ष और भूमि अधिग्रहण की समस्याओं ने कई परियोजनाओं को बर्बाद कर दिया। सिंगुर बंगाल में टाटा नैनो, उड़ीसा के जगत सिंहपुर में दक्षिण कोरिया के पास्को मेगा स्टील प्लांट। लगता है नानर रिफाइनरी 2019 के सामान्य और राज्य चुनावों के बाद ही रफ्तार पकड़ेगी। ऑयल और गैस जनरल के मुताबिक दुनिया भर में कुल 636 तेल रिफाइनरियां हैं, जो प्रतिदिन 8,775 करोड़ बैरल तेल प्रतिशोधित करती हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि नाइजीरिया परिष्कृत तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये 56,000 करोड़ रुपए कच्चे तेल का आयात करता है, इसे संसाधित करता है और 2,67,000 करोड़ रुपए में वापस निर्यात करता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि उन 228 व्यवसायियों के साथ क्या हुआ जिन्होंने नांदर में जमीन खरीदी खेती करने के लिए। भैया वो तो बड़ा मजा कर रहे हैं। मैंने 3 लाख की जमीन 1 करोड़ में बेची। बिस्बो की शायरी। रत्नागिरी रिफाइनरी लाएगी विकास, पर प्रदूषण भर देगा धुआं धुआं हर सांस। उपजाऊ जमीन का रखना होगा ध्यान, प्रदूषण ना हरे स्वच्छ वायु की जान।
क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिज़्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।